हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिंग मशीन पर। मिलिंग मशीन क्या है, हम उसके टाइप्स को समझेंगे, उसके प्रिंसिपल को समझेंगे, अप मिलिंग क्या है, डाउन मिलिंग क्या है, ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, 80% प्लस जो व्यूवर्स हैं वो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए वहाँ से अभी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मिलिंग मशीन एंड देयर पार्ट्स, मिलिंग मशीन और उसके पार्ट्स के नाम। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिंग मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन एंड मिलिंग मशीन ऑपरेशन। तो ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर कि मिलिंग मशीन क्या है। अ मिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल दैट रिमूव मेटल एट वर्क पीस इज फीड अगेंस्ट अ रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर्स। गाइस, जो मिलिंग मशीन है ये भी एक मशीन टूल है जिसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं सरफेस से, जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की मदद से, जिसको हम मिलिंग कटर भी कहते हैं। तो इसको हम इसलिए हम यूज करते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं, सरफेस को फ्लैट करना है, कन्वेक्स करना है, और भी किसी तरह की ग्रूव है, कोई शेप देनी है हमें, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड कट करनी है, तो इस तरह के कई सारे ऑपरेशन हम मिलिंग मशीन पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हम कट कर सकते हैं मिलिंग मशीन से। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन क्या है। मिलिंग ऑपरेशन का जैसा कि बताया, मिलिंग आप यहाँ पर देखिए एक इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, मिलिंग मशीन में जो मिलिंग ऑपरेशन है इसमें हम मिलिंग के एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो प्रोसेस है वही मिलिंग ऑपरेशन कहलाता है, और इसमें जिसमें जो टूल यूज होता है उसको हम मिलिंग कटर कहते हैं। जैसा कि दिखा हुआ यहाँ पर, इज अ मेटल कटिंग ऑपरेशन इज इन विच द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज रिमूव बाय रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर कटिंग टूल कॉल्ड मिलिंग कटर। सो गाइस, अगर हम बात करें मिलिंग मशीन पर जो की जो एप्लीकेशन है उस पर जो हम जो ऑपरेशन करते हैं वो किस तरह के, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की मैंने कुछ शेप, बाकी और भी हम कर सकते हैं, तो ये मैंने कुछ शेप्स लिए हैं एग्जांपल के थ्रू कि इस तरह की भी शेप्स अगर कट करनी है, मटेरियल पे बनानी है, तो मिलिंग कटर के हेल्प से हम इस तरह की शेप्स भी बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिलिंग मेथड, जो मिलिंग मशीन पे जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या मेथड्स यूज होते हैं, जो कि जैसे कि हम बताया प्रिंसिपल। सो अगर हम बात करें मिलिंग मशीन पर, हम बेसिकली दो मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला जो है वो देखेंगे आप अप मिलिंग और कन्वेंशनल मिलिंग जिसको बोलते हैं, और सेकंड है डाउन मिलिंग जिसको हम क्लैम मिलिंग भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले जो है हमारा अप मिलिंग, अप मिलिंग और कन्वेंशनल मिलिंग जो है उस क्या होती है, हम एक इमेज की थ्रू हम समझेंगे जो अप मिलिंग है उसमें क्या है और डाउन मिलिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेटल इज रिमूविंग बाय कटर रोटेटिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्क पीस। इट मीन्स मेटल रिमूविंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जिसको हम अप मिलिंग बोल रहे हो, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, देखिए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, अब देखिए यहाँ पर दोनों रोटेटिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द, देखिए ये वर्क पीस की फीड इस डायरेक्शन में और कटिंग टूल की जो फीड है, जो डायरेक्शन है वो इस तरह की, यानी दोनों अपोजिट अगेंस्ट डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि ये वर्क पीस हमारा, इस फीड जो है वर्क पीस की इधर है और कटिंग जो कटर है उसकी फीड दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो ऑपरेशन होगा इसमें जो चिप्स निकलेंगे वो ऊपर की तरफ को निकलेगा, तो ये जो प्रोसेस है वो अप मिलिंग का प्रोसेस होता है। नीड, इसमें हमें जरूरत होती है नीड स्ट्रॉन्गर होल्डिंग ऑन द जो, हमें इस जो ऑपरेशन अगर हम अप मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर वर्क पीस को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लैम करना होगा, क्योंकि कटर उसको ऊपर की तरफ खींचता है, तो इसलिए हमें वर्क पीस को काफ़ी अच्छी तरह से जो है क्लैम करना चाहिए। चिप्स थिकनेस इज मीडियम एट द स्टार्ट ऑफ कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ कट, जो चिप्स वगैरह इसकी जो निकलते हैं थिकनेस जो होती है मिनिमम थिकनेस स्टार्ट में एंड जो मैक्सिमम एंड ऑफ कट में मैक्सिमम जाके उसकी थिकनेस जो चिप्स वगैरह निकलते हैं तो इस तरह से निकालते हैं इसकी। ये है हमारा अप मिलिंग ऑपरेशन।
इसके बाद बात करते हैं डाउन मिलिंग और क्लैम मिलिंग। डाउन मिलिंग जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, दोनों ही देखिए फीड कटर की जो फीड है, जो मिलिंग कटर है उसकी फीड, और यहाँ पर देखिए वर्क पीस की फीड, दोनों ही सेम डायरेक्शन। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटल इज रिमूविंग बाय कटर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्क पीस, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस होगा वो हमारा रहता है इसमें डाउन मिलिंग का जो प्रोसेस है। टीथ कट डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड, इसके जो टीथ देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये कट करके आएगा डाउन, यानी डाउन साइड में इसकी कटिंग, जैसे उसका था अप साइड में कटिंग होती है, यहाँ पे देखिए डाउन साइड में कटिंग हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये डाउन मिलिंग और क्लैम मिलिंग का ऑपरेशन है। दोनों में डिफरेंस है कि डाउन मिलिंग क्या है और अप मिलिंग क्या है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू जनरल डिजाइन की अगर हम बात करें तो जो मशीन्स हैं वो देखिए कॉलम एंड नी टाइप मशीन, सबसे पहली जो मशीन है वो कॉलम एंड नी टाइप मशीन है। इसके बाद बात करते हैं प्लेनर मिलिंग मशीन। ये देखिए आप, ये जो मशीन है ये प्लेनर मिलिंग मशीन है। इसके बाद बात करते हैं फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन। ये देखिए फिक्स, इसका जो बेड है वो फिक्स रहता है, ये फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन है। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन है जिसमें एक डिजिटल कंट्रोलर भी रहता है मिलिंग मशीन में, तो ये स्पेशल टाइप कुछ मिलिंग मशीन्स है। तो इसी के साथ हम इसमें मिलिंग मशीन में बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह के हेड्स के लगा के हम मिलिंग मशीन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स नेम की, पार्ट्स नेम ऑफ मिलिंग मशीन, तो आप यहाँ पर इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं इसके जो मेजर पार्ट्स हैं, बेस कॉलम स्प्रिंडल स्प्रिंडल हेड नी सैडल वर्कबेंच टेबल। तो आप ये सारे पार्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं एक फ्री हैंड स्केच बना के अपनी नोटबुक पे, तो ये सभी पार्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिलिंग ऑपरेशन एंड टाइप्स, जो मिलिंग मशीन पे हम कितनी तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है प्लेन और स्लैब मिलिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेन और स्लैब मिलिंग है, जिसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन, हॉरिजॉन्टल वर्कपीस, हम जो मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कटिंग करेगा, ये कटर जो है इसका, इसको है प्लेन एंड स्लैब मिलिंग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेस मिलिंग, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं ये फेस मिलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड मिल, जो देखिए एंड मिल कटर है, जो कि इसकी मदद से हम किसी भी वर्क पीस पे जो मटेरियल है रिमूव कर रहे हैं, ये एंड मिलिंग कहलाता है। एंड मिल कटर के थ्रू ये ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन का बात करें साइड मिलिंग, साइड मिलिंग आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये साइड मिलिंग ऑपरेशन है। इसके बाद बात करते हैं स्लॉट मिलिंग, इस तरह से अगर हमें कोई स्लॉट कट करने है, बीच में ग्रूव बनाने हैं कोई, तो ये स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन कहलाता है इसका। नेक्स्ट है एंगुलर मिलिंग, किसी भी वर्क पीस पर हमें कोई एंगल, किसी शेप एंगल की शेप देनी है, एंगुलर मिलिंग की हेल्प से हम दे सकते हैं उसको। इसके बाद भी और भी जो काफ़ी ऑपरेशंस है, जैसे फर मिलिंग, कोई अगर हमें कोई शेप देनी है, कोई डिजाइन करना है, फर मिलिंग में हम टूल को डिजाइन कराते हैं, जिस तरह की शेप या कनकेव या कन्वेक्स है तो उसी तरह की शेप बन जाती है। काफ़ी और भी कुछ ऑपरेशंस हैं, मैं आगे की एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल एक एक करके इसके ऑपरेशंस हैं वो बताऊंगा, इसकी जो मशीनिंग ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। सो गाइस, ये तो था आज की इस वीडियो में मिलिंग मशीन क्या है और उसके पार्ट्स के नाम क्या हैं। आई होप मिलिंग मशीन के जो पार्ट्स और जो क्या है मिलिंग मशीन, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको भी वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।